बड़ी खबर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में उन लोगों के लिए जिनके फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि छोटी मोटी गलतियों को जो फॉर्म में गलती से हुई है उसको सुधारने का मौका दिया जाए। एक बड़ी खबर क्योंकि मांग काफी दिनों से इस बात को लेकर के हो रही थी और ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट से लेकर के हर उस दरवाजे को खटखटाया गया जिसमें कि उन भूल चूक जो कि फॉर्म के अंदर हुई थी या फिर जिनका मोबाइल नंबर बदल गया था, इस तरह की बातें सामने आती रही। मगर अब एक अर्जी पर इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि छोटी मोटी चूक, मगर ये छोटी मोटी चूक किस दायरे में आती है, किस किस्म की गलतियों को सुधारने का मौका। हमारे सहयोगी इस वक्त मनीष पालेवाल हमारे साथ फोन लाइन के जरिए प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। मनीष, ये मंशा रही है अभ्यर्थियों की कि उनकी भूल को सुधारने का मौका दिया जाए और इसीलिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई भी दे रहे थे, मगर आज हाईकोर्ट का निर्देश है क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये धर्मेंद्र कुमार व कुछ अन्य लोगों की याचिका थी जो इनकी तरफ से दाखिल की गई थी। याचिका में भूल सुधार करने का मौका दिया गया था जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और इसमें इन याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि सर्टिफिकेट व अंक पत्र के नंबर की गलती इन लोगों ने द्वारा की है, जिसे कि कोर्ट ने यह माना कि ये छोटी गलती है। अगर इन्होंने अपने अंक पत्र के नंबर को त्रुटिवश गलती से गलत भर दिया है तो इन्हें सुधारने के लिए एक मौका दिया जाए, जिसके लिए कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को डेडलाइन भी रखी गई कि समय सीमा है इसका, कोई वक्त रखा गया कब तक इसे सुधारना है? जी बिल्कुल, देखिए ये कोर्ट ने आज आदेश जारी किया है। ये आदेश जारी होने के बाद इसकी कॉपी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी जाएगी। उसके बाद इन छात्रों को उनकी तरफ से एक अवसर दिया जाएगा कि इस जो उनकी त्रुटि है उसको सुधारने के लिए। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी से।